सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स मी विकास वर्मा एंड यू वॉचिंग द विकास वर्मा ब्लॉग्स। आज हम लोग जा रहे हैं रांची, मेरा फार्मेसी का फाइनल एग्ज़ाम है। जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, और मैं और मेरा एक भाई है पवित्र, वही हम लोग जा रहे हैं रांची अभी। बाकी सब दोस्त लोग बाद में ज्वाइन करेगा हम लोग को, तो चलते हैं। बाय। बड़ा पार्क, सॉरी बड़ा तालाब। जय माता दी, सुरक्षा का नाम दृष्ट। अच्छा अच्छा जाए, एग्जाम अच्छा से लिखते हैं बस। फिटनेस तो आगाज़ भैया बताइए, आपका एग्जाम कब से है आपका? मेरा कल से है। आगाज़ भैया कल से आराम से बैठे हो दुकान पे, मस्त एकदम भेज रहे हैं बाकी सामान, क्या क्या सामान है। ठीक है आगाज़ भैया, ऑल द बेस्ट आपको भी और हमको भी। ठीक है, मिलते हैं आपको रांची में फिर। बाय बाय। चलिए पवित्र जी मिले जल्दी। नाश्ता करने के लिए पवित्र आप पूछने के लिए क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं है। तो ये अपना ढाबा, यहीं पर हम लोग रुके हुए अभी। अभी हम लोग लगभग 45 किलोमीटर रीच कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। अभी टाइम हियर इज द टोल, रांची फर्स्ट टोल। जबरदस्त मौसम किया हुआ रांची का, रांची का वेदर कतई जहर। हल्का हल्का धूप भी है लेकिन हम लोग का कंपैरिजन टाल्टे ऐसे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, क्या उसको बोलते, ठंडा जगह है। फट के हाथ में आता है, गर्मी 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 गर्मी। फाइनली हम रांची पहुंचने ही वाले हैं, मैक्सिमम 10 मिनट में रातू रोड होंगे हम लोग। और कहाँ है रे कट, रातू रोड में देखते सुनने। और रांची का फ्लाई ओवर का काम लगभग लगभग रातू रोड में कम्प्लीट हो चुका है, बस ऊपर से रोड बनना बाकी है। क्यों जाऊंगा मैं रांची रोड। फाइनली हम लोग रांची पहुँच चुके हैं, अब हम लोग जाते हैं अपने होटल जो कि यहाँ से मैक्सिमम 5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद जाते हैं, रेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा आज घूमेंगे। हाँ सब कुछ बोल रहे हो एग्ज़ाम में घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज भर तो घूम ही सकते हैं, कल से तो एग्ज़ाम है ही है। कल से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मतलब रात में पढ़ाई करेंगे आज, और कल से निकल का एग्ज़ाम का चाहिए है कभी Amazing! फार्मास्यूटिकल एग्जाम में अभी तो रूटीन भी नहीं देखे, देख लेंगे आज रूटीन।
क्या है क्या नहीं है। और ये हम लोग रातू रोड, ये गैलेक्सी मॉल, जाम देख के पता ही चल जाएगा झारखंड वाले को कि हम लोग कहाँ हैं। ऑफ कोर्स सबको पता चल गया होगा कि हम लोग रात रोड में ही हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल के पास, खातगढ़ बस स्टैंड। यह है खातगढ़ बस स्टैंड और यहाँ पे पूरा जाम है, पूरा खतरनाक वाला। 100 meters, sharp left. क्या है को बोल रहा है। सो फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और ये हमारा होटल सिमानी। अंदर जाकर आपको रूम दिखा दे कैसा रूम है सारा चीज। दिस इज आवर रूम एंड ये पवित्र प्रकाश। बंद करना था, छोटा सा है, डिसेंट सा है, लेकिन बहुत महंगा हो गया होटल ये वाला। सो फाइनली हम लोग अभी रूम में रेस्ट कर रहे हैं और बहुत नींद भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब उठते हैं, उसके बाद मिलते हैं, जाते हैं घूम निकलस तब जाएंगे, हो सकता है घूमने, उसके बाद मिलेंगे बाद में, बाय। तो हम लोग जा रहे हैं अपने कुछ खाना खाने के लिए, होटल में बैठ गए हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, बहुत वाले पर्स लेके निकला था, इसके चलते हम लोग को दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है, तुम बोले भी थे पर्स मेरा छूट गया, तुम बोला कोई दिक्कत नहीं, हम है हम नहीं बोले ये झेला है, अब झूठ बोला तो हुआ। तो बस जा रहे हैं हम लोग, अभी खाना में खाते हैं और मिला हुआ है। मिलते हैं आपके बाद। हम लोग आए हुए हैं एसी एस में और खाना वाना खा लें, बेचारे 20% मेरा चार्ज कर रहा है। कुछ ऑर्डर करते हैं, देखो पहले तो कुछ ऑर्डर करो तुम। एसी एस खाना खा के हो चुका है, हम लोग 10-15 मिनट खाया हुआ होटल जाएंगे, बहुत ठंडा लग रहा है। उसके बाद सो के उसके बाद छुट्टियाँ आए द नेक्स्ट डे। ये पूरा मिलिट्री स्टेशन है नामकुम में, दूर दूर तक यहाँ पर मिलिट्री स्टेशन है, पूरा मिलिट्री लोग ही रहते हैं। जहाँ तक नज़र पड़ेगा वहाँ तक, ये हमारे देश का शान तिरंगा मेरी जान। आज हम लोग का नेक्स्ट डे है ये और मेरा एग्ज़ाम आज से शुरू होने वाला है और उसके लिए हम लोग जा रहे हैं वाइबिन कॉलेज में, हम लोग का सेंटर पड़ा हुआ है, वहीं हम लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। तत्काल में हम लोग दो ही दोस्त हैं एग्ज़ाम देने वाले, ऐसा फील हो रहा है, धक धक कर रहा है पवित्र आप। यस मुझे भी कर रहा है, लेकिन पास हो जाएंगे, भगवान से नहीं है लिखना है भयंकर। जोक्स अपार्ट, बस अच्छा से एग्जाम चला जाए और कुछ नहीं। अभी दूर दूर अभी तक मिलिट्री स्टेशन ख़त्म ही नहीं हुआ है, अभी बहुत आगे तक है। हम बोले तो नामकुम ही है कि नहीं भाई, आधा नामकुम तो कैप्चर है। देखिए ये गाड़ी खरीदने का किसी को औकात नहीं है, किसी का नहीं। ये आप इधर से टाटा भी जा सकते हैं जमशेदपुर, ये रोड नाम को मारा जाता है। वेस्ट बंगाल भी जा सकते हैं। जाम हम लोग को मिल गया है यहाँ पे, जाम हाँ
नामकुम वाला जो चौक है वहाँ पे खतरनाक वाला था, जाम हो जाता है। और वैसे कुछ नहीं है बाकी, देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल यहाँ पे भी अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। सोच सकते हो आप कितना ही बड़ा होगा, कितना ही बड़ा होगा। आगे आपको हम आगे आपको हम पतंजलि का स्कूल भी दिखाते हैं आपको। आचार्य बहुत खूबसूरत स्कूल, बहुत ही खूबसूरत स्कूल है। मौका मिल गया यहाँ पे भी। मेरा टिकट 2 है। रांची यहाँ पे ख़त्म, रांची का मतलब बॉर्डर ख़त्म। आपको हम लोग पतंजलि का बस स्कूल आने वाला है कुछ देर में, आपको दिखाते हैं पतंजलि स्कूल कॉलेज। और ये देखिए ये लॉ कॉलेज है, नहीं सॉरी थाना है, नामकुम थाना है, नामकुम थाना है। और उसके जस्ट ठीक बगल में लॉ कॉलेज है। यहाँ पे फार्मेसी का एक बार एग्ज़ाम दिया हुआ था किसी का। और ये रहा खूबसूरत, इतना खूबसूरत स्कूल हम देखे ही नहीं। ये देखिए पतंजलि स्कूल, इसको इसी को बोलते हैं पतंजलि स्कूल, मतलब बोलते क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बड़ा कैंपस है इसका भी। कुछ देर में हम लोग अपना कॉलेज पहुंचने वाले हैं। बेसिकली हम लोग का जो कॉलेज है वो बहुत ही अंदर घुस के गाँव में, मेन रोड पर नहीं है। मेन रोड से भी हम लोग को लगता है कि 20 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता होगा, पवित्र 20 से 10 किलोमीटर मैक्सिमम, लगभग 10-20 के बीच में जाना पड़ता होगा। बहुत ही अंदर कॉलेज है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो 11:30 हो रहा है, 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है हम लोग का, 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा जो कि 5 बजे तक चलेगा। वी आर वेरी नर्वस, लेकिन जय माता दी, जो होगा तो देखा जाएगा। स्टीम राइस का भी कहानी है, छोड़ो बाद में बताएंगे कभी। सो फाइनली हम लोग कॉलेज पहुंच गए हैं, और कॉलेज पार्किंग में हम लोग, और ये है कॉलेज का रोड जो कि पूरा गांव ही एरिया पूरा इधर। अभी हम लोग का जो पहले वाला बैच है, मतलब मेरे बाद वाला बैच है, हम लोग एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। इस जगह का नाम है राजा उल्लाह। देखते हैं अभी सामने हमारा कॉलेज, सिर्फ फोटो में ब्यूटीफुल दिखता है, अंदर से नहीं है। और टट्टी है बैच, और जैसे पार्किंग गांव वाला पार्किंग अपना लगा दिया है कि जो पैसा एकदम तक घुमा रहा है। ये रहा पूरा कॉलेज से, यहाँ पे थलाली चलेगा पूरा दम धंधना के। 10-20 रुपया यहाँ वसूला जाता है जबरन, बैग रखने का भी पैसा ले लेता है यहाँ का लोग। ये रहा हम लोग का कॉलेज पूरा, यहाँ सेंटर दिया हुआ हम लोग का, ये कॉलेज है। और यहाँ मेन गेट है वाइब यूनिवर्सिटी। हम लोग इसे चेकआउट करने आते हैं, देखने इधर उधर क्या कैसा पार्किंग है, क्या कहाँ लगाना है। अभी हम लोग लगाएंगे वहीं जहाँ पिछली बार पार्किंग लगाए थे, वहीं पर लगाएंगे। चलो ठीक है, एग्ज़ाम देके मिलते हैं पापा। सो फाइनली डन आज का एग्ज़ाम, हम जा रहे हैं घर, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और भूख भी लगा हुआ खतरनाक वाला, और जाके रेस्ट करेंगे बाहर।